हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक की सब्जी। तो मैं पालक को धो ली हूँ और धो के उसे बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्च, एक बड़े साइज का आलू मैं धोकर काट ली हूँ। अब चलिए बनाते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा जब हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन। देखिए लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर यहीं पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें प्याज और हरी मिर्च, और इसे थोड़े देर के लिए भून लूंगी जिससे प्याज का कच्चापन चला जाए। और फिर यहीं पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें आलू, क्योंकि मुझे आलू को भी थोड़ा देर भूनना है। इसमें इसे इतना भून लेना है ताकि ये बिल्कुल पके भी ना और कच्चा भी ना रहे, मतलब हल्की सी भून लेंगे इसे और इसे ढक देते हैं। और बीच बीच में ना इसे चलाते रहेंगे ताकि हम प्याज के साथ इसे भून रहे हैं तो नीचे चिपके ना। और ये देखिए हमारे आलू भून के तैयार हो गई है। और यहीं पे ऐड कर दिए हैं इसमें टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर हम भून लेंगे। और यहीं पे ऐड कर देंगे इसमें नमक। नमक डालने से हम टमाटर जल्दी गल जाता है। ये देखिए नमक डाल के हम थोड़ी देर इसे ढक देते हैं जिससे टमाटर हमारा गल जाएगा जल्दी से। और ये देखिए टमाटर गल गए हैं हमारे और भून गए हैं अच्छे से। अब यहीं पे ऐड कर देते हैं मसाले। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहीं पे मतलब आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे चिली फ्लेक्स इसमें डालना है। तो यहीं पे मैं ऐड कर देती हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने से ना सब्ज़ी की स्वाद बहुत अच्छी हो जाती है, ख़ास तौर से आलू पालक की सब्ज़ी बहुत टेस्टी और यमी बनती है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए ये हमारी, देखिए मसाले सभी भून गए हैं और थोड़े से ढक देती हूँ इसे। ये देखिए तेल सेपरेट होने लगे हैं इसमें। अब यहीं पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें पालक। देखिए अच्छे से भून गए हैं हमारे मसाले और ये जो चिल्ली फ्लेक्स है ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं इसमें। यहीं पे ऐड कर दूंगी पालक में। देखिए पालक डाल के और मैं ढक दूंगी इसे। जब हमारी पालक गल जाएगी थोड़ी सी फिर मैं इसे चला लूँगी। ये देखिए पालक गल गई है। ये पालक की अपनी पानी होती है, इसमें देखिए कितनी पानी हो गई है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे हम, तो 1-2 मिनट के लिए इसे फिर ढक देंगे। और ये देखिए हम फिर इसे चला लेते हैं 1-2 मिनट बाद। अब इसमें देखिए बिल्कुल पानी सूख गई, बस हल्की हल्की सी पानी है। इसे हम ऐसे अब ढकेंगे नहीं, ऐसे चलाते हुए इसे पका लेंगे। बिल्कुल रेडी है अब हमारी सब्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। पालक की सब्जी तो सभी बनाते हैं, सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये देखिए हमारी सब्जी रेडी है। आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।